सर राइट नाउ कोई भी फ़ोन लॉन्च हुआ ना तो उसमें 5G ज़रूर होता है, एंड 5G ना उसका हाईलाइट होता है ना। अब 2 साल हो चुके हैं कि हम सुन रहे हैं कि 5G आने वाला है, 5G आने वाला है। इट्स जस्ट लाइक अच्छे दिन, पता नहीं कब आएगा। बट द पॉइंट इज कि हम सबको पता है कि इवेंचुअली 5G आने वाला है, एंड 5G इज़ वे वे फास्टर देन 4G। मतलब इसकी जो पीक स्पीड है ना वो 20 Gbps की है, एंड इसकी जो एवरेज स्पीड है ना वही 100+ Mbps की है। मतलब आपके 4G से तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट। बट द प्रॉब्लम इसके हमें ये नहीं पता कि 5G एक्चुअली काम कैसे करता है, एंड इस वजह से स्मार्टफोन कंपनीज ना हमें 5G के नाम पे सिर्फ 2 या 3 बैंड देते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट्स लाइक मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक 4 कैमरा वाला स्मार्टफोन दूंगा, एंड देन लेटर आपको पता चलता है कि वो 4 कैमरा सिर्फ 2-2 मेगापिक्सल के। अब आप बताओ उस 4 कैमरा का कोई सेंस बनता है? नहीं। सो 5G के बैंड भी कुछ ऐसे ही है, एंड इस वीडियो के पहले मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। सो आई थॉट कि आप तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी ज़रूरी है, बिकॉज वी आर 1 टीम। सो मेरा नाम है अश्विन, एंड वेलकम बैक टू टेक सोबर विद अनदर फ्रेश एपिसोड। एंड अगर अभी तक आपने टेक सोबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप एक 5G फ़ोन खरीदने जाओ तब एक प्रॉपर चॉइस कर सको। एंड नाउ लेट्स प्ले द इंट्रो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स एक टेक्निकल वीडियो है, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बिना किसी हैवी वर्ड्स का यूज़ किए इसे ईजिली समझा सकूँ। तो बेसिकली 4G एंड 5G ना सेम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वो है OFDM। ये बेसिकली एक डिजिटल मेथड है डेटा एनकोड करने के लिए थ्रू मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसीज। समझ में आया? सो आपने हर जगह 4G के सेल फोन टावर्स तो देखे होंगे, जिससे रेडियो वेव्स निकलते हैं एंड आपके फ़ोन तक आते हैं, जिससे फिर आप इंटरनेट एंड कॉल वगैरह यूज़ कर पाते हो। अपना 5G भी कुछ ऐसे ही काम करता है, बस एक छोटा प्रॉब्लम है। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना, 4G में ना आपको लॉन्ग रेडियो वेव देखने मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू 5G। सो इसे मैं ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये मेरे हाथ को ना दीवार समझना, एंड इस वायर को रेडियो वेव समझना। सो जैसा मैंने कहा कि 4G के जो रेडियो वेव्स हैं ना वो स्ट्रेच्ड होते हैं और लॉन्ग होते हैं, तो इस वजह से जब वो दीवार के गैप्स के थ्रू जाते हैं तब आर पार निकल पाते हैं। नाउ ऑन दी अदर हैंड 5G के जो रेडियो वेव्स होते हैं ना वो शॉर्ट होते हैं एंड काफ़ी कंप्रेस्ड होते हैं, कुछ इस तरह। सो जब वो दीवार में जाते हैं ना तो दीवार से पास नहीं हो पाते एंड वहाँ ही डेड हो जाते हैं। सो अब आप सोचोगे कि 5G फिर काम ही कैसे करेगा, बिकॉज हमारे पास तो दीवारें ही दीवारें। सो 5G के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग टावर्स की ज़रूरत है, एंड वो एक दूसरे से ना काफ़ी क्लोज होने चाहिए ताकि जो कनेक्शन है ना वो ब्रेक ना हो। सो अगर आपको 5 Mbps की स्पीड चाहिए तो उस टावर को 10 टाइम्स दैट इज़ 50 Mbps की स्पीड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ताकि सारे डिस्टर्बेंस से गुजर के आप तक 5 Mbps पहुंच सके। एंड दैट्स वन ऑफ द मेन रीज़न 5G को इतना टाइम लग रहा है यहाँ आने। नाउ लेट्स मूव टू 5G बैंड्स। सो बेसिकली 5G ना 2 टाइप ऑफ बैंड्स में डिवाइडेड है। पहला है sub-6 एंड दूसरा है मिलीमीटर वेव्स। सो sub-6 रेंज मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसीज है ना वो आपको 6 GHz तक मिलेगी। इसका मतलब है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो कर पाएगा बट ये आपको ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, अनलाइक द रियल 5G जिसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया था। एंड यही सेम चीज़ हमें 3G और 4G कैरियर्स में भी देखने मिलती है। सो फॉर नाउ इंडिया की जो 5G फैसिलिटीज है ना वो इतनी ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है। सो जब इंडिया में 5G आएगा तो इनिशियली sub-6 रेंज पे ही आएगा। सो अब मेन सवाल, कितना देती है? सो 5G कितना स्पीड देगी ये NSA एंड SSA पता चलेगा। अब इसका मतलब क्या है? सो SA मतलब स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर, मतलब ये प्योरली 5G के कोर पे ही बेस्ड है, एंड ऑफकोर्स इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू NSA विच इज़ नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर। मतलब इसका जो 5G है ना वो एक्चुअली 4G के कोर पे बेस्ड है। सो NSA इज़ जस्ट लाइक sub-6 जो 3G 4G पे बेस्ड है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पर आपको स्पीड ज़्यादा नहीं दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहे Realme X7 Pro के 5G बैंड्स। एंड बाय द वे मैंने रिसेंटली Realme X7 Pro पे एक डिटेल वीडियो बनाया, सो अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट करना, आपको लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी इस तरफ आप बैंड टेबल देखें, सो अगर हम अब Realme के 5G बैंड से N41 को देखें, सो जो डाउनलोड स्पीड्स हैं वो आपको 2496 MHz से लेके 2690 MHz तक मिलेगी, मतलब दैट इज़ अराउंड 2 to 2.5 GHz इन स्ट्रेंथ। एंड अगर हम अब दूसरे बैंड को देखें वो है N79, तो आपको इसमें 5000 MHz तक की डाउनलोड स्पीड मिलेगी, दैट इज़ अराउंड 5 GHz। बट अगेन ये सारे बैंड sub-6 के अंदर आते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ़ोन खरीदने जाओ तो आपको पता होगा कि बैंड्स को कैसे चेक करना है, एंड उसके लिए इस बैंड टेबल का स्क्रीनशॉट ज़रूर चेक करना।
सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक 5G फोन खरीदने जाओ तो आपको पता होगा उसके बैंड को कैसे चेक करना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बट नाउ 5G की असली ताकत पे आ जाते हैं, जो कि है मिलीमीटर वेव्स, एंड ये आपको 24 GHz से भी ज़्यादा का स्पीड दे देगी। एंड दिस इज वेन SA, दैट इज स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर, किक्स इन। बट अगेन जैसा कि मैंने कहा था, इसके जो वेव्स है ना बड़े कंप्रेस्ड हैं एंड इस वजह से वॉल को लग के ही उधर डेड हो जाते हैं। सो इसमें आपको बहुत फास्ट डाउनलोड लिंक मिलेंगी बट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। इट इज़ सेड कि आपको हर 500 मीटर्स पे एक स्ट्रॉन्ग एंटीना की ज़रूरत पड़ेगी ताकि एक कॉन्स्टेंट स्पीड प्रोवाइड कर सके। सो यार 5G को आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, बट जब भी आएगा मज़ा आ जाएगा। आई नो कि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वीडियोज है, सो दिल खोल के कॉमेंट सेक्शन में सवाल पूछो, मैं सबके आंसर ज़रूर दे दूंगा। एंड अगर आप इतने एंड तक रुके हो सो प्रोबेबली आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। सो इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ, ताकि उनको भी पता चले कि 5G एक्चुअली काम कैसे करते हैं एंड फ़ोन खरीदने के टाइम कैसे आपको बैंड चेक करने हैं। एंड अगर आपने अभी तक टेक सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे कमाल टेक वीडियोज लेके आता रहूँ। टिल देन पीस। दिस इज द फ्यूचर। Evolution.